हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी टमी। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाली स्नैक की रेसिपी बताती हूँ। इसका नाम है ड्राई भेल। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है और शायद आप इसे 2 मिनट में बना सकते हैं। शाम के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जनरली हम भेलपूड़ी में आलू, मटर, इमली की चटनी, नमकीन, सेब वगैरह डालते हैं। मीठी चटनी में ढेर सारी चीनी होती है, नमकीन, मटरी में बहुत सारा तेल होता है। वेट लॉस जिनको करना है उनको आलू तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। बट यहाँ पे जो मैं ये ड्राई भेल की रेसिपी बता रही हूँ उसमें ऐसा कोई भी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ड्राई भेल। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में मुरमुरा लिया है। अब इस मुरमुरे को ड्राई रोस्ट करना है। मैं किसी भी तरह के तेल में इसे रोस्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि ये कुरकुरा लगे खाने में। इसे आप मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट तक के लिए ड्राई रोस्ट करें। 1 मिनट में ये थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया है रेडी। अब मैं एक बोल लेती हूँ। इस बोल में मैंने चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ, थोड़े से चॉप्ड टोमेटोस डाल रही हूँ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अब थोड़े मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैंने नमक डाला है, मैं थोड़ी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालते हैं, और अब थोड़ा सा नींबू का रस डालते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं सबसे लास्ट में इसमें मुरमुरा ऐड कर रही हूँ। अगर हम पहले ही मुरमुरा ऐड कर लेते हैं तो जब तक ये बनती है तब तक हम खाते हैं तब तक मुरमुरा थोड़ा सॉगी हो जाता है। इसमें अब मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें थोड़े से रोस्टेड चना डाल रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। शाम को चाय के साथ बिस्किट, नमकीन खाने से बढ़िया है ये हेल्दी स्नैक। बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।